हेलो गाइस, तो अभी तक अपनों ने सीखा इमेज प्रोसेसिंग के बारे में। मेनली जो भी अभी तक सीखा वो सब इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है। तो अब ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपको कंप्यूटर विजन विद एआई के तरफ शिफ्ट करेगा। तो कंप्यूटर विजन एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें से अभी तक अपनों ने जाना थोड़ा बहुत इमेज प्रोसेसिंग। अब अपन जानेंगे इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन विद एआई। तो ये भी बहुत छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन इसमें अपन करेंगे इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में आपको एक टास्क मिलेगा जो आपको परफॉर्म करना होगा और आप मुझे बताएंगे कैसे बताएंगे कि आपने किया है या नहीं किया। तो चलो पहले बात करते हैं कि टॉपिक इसमें अपन क्या करने वाले हैं अभी। तो इस लेक्चर में अभी अपन करने वाले हैं फेस डिटेक्शन। ओके, फेस डिटेक्शन करना वैसे अपन स्क्रैच से भी कर सकते हैं, सीएनएन की हेल्प से, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगा के। बेसिकली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ही बेस अपना रहता है इमेज क्लासिफिकेशन का, तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। और काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं जैसे योलो हो गया, रेजनेट, रेटिना नेट और आरसीएनएन, फारसीएनएन, दैट्स बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं आज के टाइम में। लेकिन एक बहुत पहले बना था कास्केड फाइल थी, जो स्टार्टिंग जब हुई थी फेस डिटेक्शन की तो हर कास्केड फाइल जनरेट हुई थी। तो उसकी हेल्प से ओपन सी भी कुछ प्री ट्रेन मॉडल देता है अपने को, जैसे फेस का हो गया, नंबर प्लेट्स का हो गया, लोअर बॉडी का, स्माइल का, आईज का हो गया, ये सारी अपने को देता है कुछ प्री ट्रेन मॉडल्स मशीन लर्निंग के। तो उसकी हेल्प से अपन अपने पर्टिकुलर अपने पाइपलाइन बना के, मतलब अपना कोड बना के उसके अंदर उसको प्लग इन कर सकते हैं। तो अपने खुद पहले, मतलब इतने एक्यूरेट नहीं होते एक्चुअली वाले, लेकिन हाँ काफी हद तक सही होते हैं क्योंकि एक कस्टम ट्रेन करते हैं उसका अलग ही एक एक्यूरेसी रहती है। क्योंकि और ये थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव इमेजेस को लेके ट्रेन किया गया है तो इसमें इतना खास एक्यूरेसी रहती है, लेकिन हाँ फिर थोड़ा कभी वो लैग आ जाता है एक्यूरेसी में कभी कभी किसी किसी केसेस में। तो अब अपन देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और एक्चुअली में करता कैसे है कि ये फेस है या नहीं है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फोटो अपन जो यूज करने वाले हैं फोटो के ऊपर ही दिखाता हूँ। I am sure. Okay. Fine. Result. And this will be go for IMG. Wait. Okay. Fine. तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपनी इमेज, क्या इमेज है अपनी, कौन सी इमेज पर कैसे डिटेक्ट होता है फेस डेट वाईटी डॉट पाइथन। तो ओके, ये अपनी लेना इमेज है। तो होगा ये कि एक विंडो चलती है जो यहां से फीचर्स चेक करने लगती है कि अच्छा ये एक मैट्रिक्स होती है, एक्चुअली बेसिकली एक मैट्रिक्स होती है जो यहां से टेस्ट करने लगती है कि अच्छा ये इमेज नहीं है, अच्छा ये इमेज है, नहीं 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 ओके फीचर्स नहीं मैच नहीं है, नहीं है क्योंकि फिल्टर मैप के अंदर उसके फीचर्स होते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर ये चीज है या नहीं। क्योंकि इसको मैं आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जब आएगा तो उस और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिकली ये समझ लो कि एक फिल्टर घूमता रहता है कि कुछ अपन जैसे 5x5 मैट्रिक्स का अपन फिल्टर बना लेते हैं तो हर 5 पिक्सल को चेक करता चलता है इसके फेस से फीचर मैप मैच हो रहे या नहीं हो रहे, फेस से फीचर मैच हो रहे या नहीं हो रहे, फीचर मैप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे करते हुए ऐसे इस डायरेक्शन में चलता जाता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, ऐसे चलता रहता है। जहां पे भी इसको मिलेगा कि हाँ कुछ मैच हो रहा है तो वहां पे ये अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेता है और वापस वहां पे चेक करने लगता है कि अच्छा ये है ये है ये है। फिर अपन कुछ फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स बना लेंगे तो पता चल जाएगा अच्छा ये फेस है। तो फटाफट अपन अपने प्री ट्रेंड मॉडल को लोड करते हैं जो अपने वो हारकास्केड फाइल में मिलता है जो ओपन सी भी देती है। आप इसके गिटहब के लिंक पे जा सकते हैं, ओपन सी भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे भी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो अपन बनाते हैं फेस नाम से एक वेरिएबल, फेस हार इज फाइन। ओके, cv2 डॉट कास्केड क्लासिफायर
और हार्कास्केट फाइल होती है XML फॉर्मेट में, ट्रेन मॉडल होते हैं ये. ओके ओके फायर हार्कास्केट फायर ओके फाइन देन डॉट XML XML फॉर्मेट ये रहा. और अब अपने को क्या करना है कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपन अगर 3 चैनल इमेज के ऊपर अपना वर्क करेंगे तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक अपनी जो इमेज है उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे. कलर IMG CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर BGR2 ग्रे. अब अपने को क्या करना है, फेसेस फाइंड करने हैं. और फेसेस कैसे फाइंड होंगे, जो अपना ये वेरिएबल था फेस हार नाम से, उसके ऊपर एक फंक्शन का यूज करेंगे डिटेक्ट मल्टीपल फेस. मतलब वो मल्टीपल फेस को डिटेक्ट कर सकता है. अगर अपन ये मल्टीपल फेस नहीं लगाते हैं तो सिर्फ सिंगल फेस को ही डिटेक्ट करेगा, लेकिन अपने जो जनरल केसेस होते हैं वहां पे मल्टीपल फेसेस ही मिलते हैं. अभी तो ये सिंगल फेस है लेकिन मल्टीपल फेस ही मिलने के चांस होते हैं ज्यादा. ओके और इसका उन्होंने बना दिया है 1.1 और इसके नेबर रहेंगे 4. दैट्स इट. ओके ओके और अब अपने बनाएंगे बॉन्डिंग बॉक्स फॉर एक्स वाई डब्ल्यू एंड एच इन फेसेस और इसके ऊपर बना देंगे रेक्टेंगल CV2 डॉट रेक्टेंगल IMG एक्स कोमा वाई एक्स प्लस डब्ल्यू एंड वाई प्लस एच. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक्स चलता है वाई विड्थ के साथ में और वाई चलता है हाइट के साथ में, तो उसमें एडिशन होता रहेगा. ओके फाइन बेसिकली इसमें इसमें चल अपने को इधर से मूव करना है. ओके फाइन गुड गुड. और इसके अंदर अपन लेंगे कलर्स, तो ग्रीन कलर ही लेते हैं और इसका स्टॉक बनाते हैं 2 का. ओके और इसको करते हैं अपन रन, देखते हैं अपना क्या रिजल्ट आता है. ओके देखो इसने अब फेस को फाइंड कर लिया है, तो देखो यहाँ से विंडो मूव होने लगी यहाँ पे आया. यहाँ पे आते इसको पता चला अच्छा ये फेस के फीचर कुछ मैच हो रहे, तो इसने वापस कुछ हाइड्रेशन किया इधर और फिर उसके बाद में जहाँ पे इसका मैक्सिमम कॉन्फिडेंस था मॉडल का तो वहां पे इसने फेस ड्रॉ कर दिया. तो पहला स्टेप था आपका कंप्यूटर विजन विद AI की तरफ. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट क्विक इन्फॉर्मेशन वीडियो. प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अब आप सुनो अपना टास्क. आपका टास्क ये है कि ये एक इमेज के ऊपर था, मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइव कैमरा फीड के साथ में करो और अपनी स्टोरी पे लगाओ इंस्टाग्राम पे और मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे hitanshusoni.js. मैं अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज मेंशन जरूर करना. बाय बाय, टेक केयर.